सुबह के हो रहे हैं 6:30, और तुम्हारा जो एक भाई जो इतना आलसी है कैसे उठा इतना जल्दी। दो कारण है उसके। सबसे पहले तो इतना धांसू बारिश हो रहा है मेरे भाई, इतना धांसू बारिश हो रहा है। और ऊपर से दूसरा ब्लॉक पता है क्या हुआ था, क्या चीज उठा दिया था हमको करीब 12:30 बजे रात को? मच्छर। हाँ मेरे भाई, 6:30 बजे मुझे मच्छर उठा दिया। देखो इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है। कल के व्लॉग में कहे थे ना कि 20 तारीख को तूफान आने वाला है, बारिश काफी होने वाला है, पर आज है 25 और 25 को ही बारिश शुरू हो गया। चलो गुड मॉर्निंग। सुबह के हो रहे 7 और तुम्हारे भाई को खाने का है कॉफी। चलो कॉफी बनाते हैं। सुबह सुबह अगर एक अच्छा कप कॉफी मिल जाए तो बात बन जाए। क्या सही सही बोला ना? और अभी बारिश थोड़ा सा थम गया है, अभी उतना ज्यादा बारिश नहीं हो रहा है, पर एक दिक्कत है कि लाइट नहीं है घर में, कल रात से ही नहीं है। और मेरा फोन में बैटरी है करीब 35%, 35% बैटरी लेफ्ट। इसको जितना भी नहला दो, ठीक है नहला दो, साफ कर दो, फिर भी जाके जहाँ पे गंदा होगा ये वहीं पे बैठेगी। और ऊपर से है ये सफ़ेद, ये कुत्ता है सफ़ेद हमारा, और सफ़ेद में हो जाता है पूरा कॉफ़ी कलर का। कल जब इसको नहला रहे थे तो भाई साहब, साबुन लगाने के बाद, साबुन और पानी लगाने के बाद इतना ज़्यादा गंद निकल रहा था इसके बॉडी से, मतलब पूरा ये कॉफ़ी का कलर निकल रहा था इसके शरीर से, जस्ट इमेजिन। तो हमारी मम्मी जी आ गई है अभी। गुड मॉर्निंग मम्मी। आज खा दो, मैं आलू पराठा खाई दूंगा, है नहीं? आलू का पराठा इज वन ऑफ माई फेवरेट इंडियन ब्रेकफास्ट। एंड अभी मम्मी को वही बोल रहा था, मम्मी मैं नाश्ते में आलू का पराठा खा लेते आज, तो मम्मी बोल रही है कि देखते हैं क्या होगा, लेट्स सी। हमारी जो मैडम साहिबा है वहां पे, उनके तो शायद होश आवाज सब उड़ चुके थे रात में, इतना भयंकर वाला बारिश हुआ कल रात। उम्मीद करते हैं कि लाइट आ जाए, क्योंकि हमको ये सब जो क्लिप वगैरह अभी शूट की है उतना लैपटॉप में डालना है, एडिट करना है, अपलोड भी तक करना है। अगर आज लाइट नहीं आएगा तो कल व्लॉग नहीं आएगा। तो हमारा डे कौन सा है, डे 15 है शायद, डे 15 का व्लॉग हो जाएगा अधूरा, और यूट्यूब पुश करना छोड़ देगा हमें। गुड मॉर्निंग मैडम साहिबा, गुड मॉर्निंग, तेरा पीला पीला मुंह दिखा दिखो दिखो दिखो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कल ही ना आया और आज क्या हो गया देख, कल ही ना आया था ये, इसको कल नहला दिया था मैंने, और देखो आज क्या किया है अपना हालत। पागल औरत पागल औरत पागल औरत, क्यों खेलते हो इतना ज्यादा गंदा, गंदी 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 गंदी। और हमारा जो प्राइवेट स्विमिंग पूल है, आज स्विमिंग पूल छोड़ के पूरा लेक बन चुका है, पूरा लेक। द लास्ट 2-3 डेज वर लाइक एक्सट्रीमली हॉट इन कालिम्पोंग कंपेयर टू व्हाट इट यूजुअली इज। यही होने के लिए उतना ज्यादा गर्मी हो रहा था। हम बोले थे ना कि ऊपर वाला बोल रहा है कि हमको 2-3 दिन धूप का नजारा ले लो, उसके बाद बारिश ही तो शुरू होना है। सी आई कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, ऑक्टोपस बाबा से भी बढ़ के है तुम्हारे प्रियम बाबा जो फ्यूचर बताते थे। देखा हम बताए थे, ये मत कहना कि हम नहीं बताए थे, ठीक है। हम कल के ही ब्लॉग में बताए थे कि बारिश जोर से होने वाला है। हम रखते अपना कैमरा को अंदर, और थोड़ा हमारी जो गर्लफ्रेंड है उसको फोन करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम लास्ट फोन किए थे उसको, उस टाइम उठ गई थी। फिर जब सेकंड फोन किए हम, वो कह रही थी कि उसको सोना है, और चलो ये भी ठीक है बोल के सोने दे दिए हमने। और अभी क्या है, अभी बज रहा है करीब 7:30, अब फोन करके करना है उसको डिस्टर्ब।
तो मम्मी को रिक्वेस्ट किया था हमने कि हमको आलू पराठा खाना है, आलू का पराठा खाना है हमको, ठीक है। मम्मी बोल रहे कि जाके आलू बॉइल कर फिर। चलो ये भी ठीक है, कर लेते हैं, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना भाई खाने के लिए, समझे ना। तो अभी मैं एक वीडियो बना रहा था, ठीक है, एक बंदे ने बहुत ज्यादा रेशियल कमेंट्स वगैरह पास किए थे अगेंस्ट अरुणाचली MLA। तो वीडियो तो बन चुका है, उसको एडिट करते करते लैपटॉप का बैटरी फूस, और मेरे घर में इन्वर्टर है नहीं, सब मिडिल क्लास फैमिली में इन्वर्टर तो होता है नहीं, तो कोई ना, जब लाइट आएगा उस टाइम एडिट कर लेंगे पूरा कंप्लीट। वैसे होने वाला था जैसे कंप्लीट होने वाला था वैसे फूस लैपटॉप। चलो आलू को भी गैस में चढ़ा दिए, अब जब आलू पराठा का प्रोसेस चलेगा, मम्मी जब बेलेगी, आटे को गुनेगी, जब हम अचार बनाएंगे, मुस्को भी हम ही बनाएंगे क्योंकि घर में अचार तो हम ही बनाते। तो हमको खाने का मन था आलू का पराठा, और हमारे पापा जी को खाने का मन था आलू भुजिया। तो हमारी मम्मी किसके लिए क्या बनाई है, चलो देखते, लेट्स फाइंड आउट वेदर माई मॉम कुक्ड आलू पराठा फॉर मी और वेदर शी वेंट विद द विश ऑफ माई डैड, दैट इज शी कुक्ड आलू एंड भुजिया। तो आर यू फोक्स एक्साइटेड टू सी नाश्ते में क्या बना दी मम्मी हमारे लिए। आलू द भुजिया, भुजिया और आलू। चलो कोई ना, पापा जी जीत गए इस बार, अगली बार हम जीत लेंगे। दोपहर के बज रहे करीब 11 और लाइट का गया हुआ हो गया करीब 12 घंटे और अभी तक लाइट नहीं आया है, और जब तक लाइट नहीं आएगा तब तक मैं कुछ एडिट नहीं कर सकता, और जब तक लाइट नहीं आएगा तब तक मेरा इंटरनेट भी काम नहीं करता है। वाह पांडे जी वाह, कैलिम्पोंग के सभी एरियाज में लाइट आ चुका है सिवाय इस एरिया के। 2 बार ऑलरेडी फोन कर चुके हैं, वो बोल रहे कि मेन लाइन से काटा हुआ है वो लोग ने लाइट, किस रीजन के लिए काटा हुआ है नहीं पता हमको। हम पूछे कि कितने बजे लाइट आने वाला है, फोन काट दिया, मुंह पे फोन काट दिया, अब क्या करें। उनका भी तो काम होगा, बारंबार फोन करके डिस्टर्ब नहीं कर सकते, पर उनको ये भी तो समझना पड़ेगा कि बाकी लोगों का भी तो काम रहता है, हम लोग को भी तो काम करना पड़ता है, और बिना लाइट के आज के जमाने में काम नहीं चलता है मेरे भाई, मेरे बंधु। काहे नहीं समझ रहे हो हमारा दर्द, समझो ना कुछ। और आज के दिन हमको 2-2 वीडियो रिलीज करना है मेरे भाई, क्या कर रहे हो ये, हम कैसे वीडियोस रिलीज करेंगे लाइट नहीं आएगा तो। करीब 12 बज चुके हैं और अभी तक लाइट का कुछ अता पता ठिकाना कुछ नहीं है अभी तक। ऐसा ही होता है कि जब आप पहाड़ में रहते हो, स्पेशली कैलिम्पोंग में रहते हो। करीब 1 महीना पहले जब बारिश हुआ था जोर से यहाँ पे, तो उस टाइम लाइट गया था करीब 40 घंटे के लिए। जी हाँ सही सुना, करीब 40 घंटा लाइट नहीं था घर में, नो लाइट एट ऑल फॉर 40 freaking hours। जस्ट इमेजिन 40 घंटा लाइट नहीं था अभी तक के जमाने में, 2021 का जमाने में। सुबह पता है ना आपको, हम बोले थे मम्मी को कि मम्मी हमको आलू पराठा खाना है नाश्ते में, और हमारे पापा बोल दिए थे कि नहीं हमको आलू भुजिया खाना है, और लास्ट में हमारा पापा का विजय हुआ, और हमारा क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, बेसिकली आई लॉस्ट। सो सुबह ब्रेकफास्ट में आलू भुजिया बना था, पर अभी लंच के टाइम पे पापा हमारे लिए बना रहे हैं आलू का पराठा फाइनली। अभी लॉकडाउन के टाइम में इतना कुछ खा रहे पर साथ साथ वर्कआउट भी कर रहे हैं, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी एज वेल, खाना भी ठूस रहे हैं, पसीना भी बहा रहे हैं, डू दैट। आलू पराठा के साथ मुझे पसंद होता है चटनी से भी ज्यादा टोमेटो केचप और दही। चटनी इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक अभी तक हम दुकान के कुछ चीजों में बिजी थे, बहुत अटक गया हम, करीब 1 घंटा दुकान के कामों में बिजी थे, उसकी वजह से हम चटनी नहीं बना पाए, ठीक है। तो जब तक हम दुकान का काम खत्म किए हमारा लंच रेडी हो गया था, और दही इसलिए नहीं खा पा रहे क्योंकि घर पे दुकान में दही खत्म हो रखा है। चलो ये भी ठीक है, आइए शुरू करते हैं खाना। लंच तो कब का हो गया समाप्त, अभी शाम का चाय पी रहे हैं, ब्लैक टी विद सॉल्ट, माय फेवरेट ड्रिंक। इतना ज़रा टाइम क्यों लगा हमको कैमरा फिर से उठाने में, बस जैसे मैंने बोला आपको कि लाइट नहीं था, वैसे जब लाइट आया फिर वीडियोस वगैरह अपलोड करना शुरू, उसके बाद जितना भी आप अभी तक देखे वो सब एडिट कर लिया हमने, तो उसी में टाइम बीत गया, और अभी हो रहे होंगे शायद शाम के 4:30। फिर ये जो क्लिप है इसको डाल देना है लैपटॉप में, उसके अंदर पेस्ट कर देना है, वो जितना एडिट कर चुके हैं हम उतने में पेस्ट कर देना है, फिर उसके बाद में एक्सपोर्ट कर देना है फाइल को,
वो आज का बात यही था कि हमको आलू पराठा खाना था पर पापा को आलू भुजिया खाना था, इसीलिए मम्मी बना दी आलू भुजिया। बट पापा रिकंसिडर्ड माय फीलिंग्स वंस अगेन और उन्होंने बना दिया लंच में हमारे लिए आलू पराठा। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर देना, और ज्यादा अच्छा लगा है तो कमेंट कर देना, और ज्यादा बुरा लगा है तो मलम लगा लेना मेरे भाई, मलम लगा लेना, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर ब्रदर द ब्लॉग फ्रॉम द हिल्स प्रियम गुरुंग एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चीयर्स टू लाइफ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल फिर ऐसे ही किसी लाजवाब ब्लॉग में। चाओ।